नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। तारीख थी 14 जनवरी 2019, दिन के 11 बज रहे थे। प्रयागराज में कुंभ मेले की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। संगम तट पर निरंजनी अखाड़े में सभी 13 अखाड़ों के आचार्य और महामंडलेश्वर जुटे हुए थे। ये जुटान थी एक महिला को महामंडलेश्वर बनाने के लिए, और ये महिला कोई सामान्य महिला नहीं थी। ये महिला थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। ऐसा पहली बार हुआ था जब केंद्र के किसी मंत्री को महामंडलेश्वर पद की उपाधि दी गई थी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने साध्वी निरंजन ज्योति को चादर उढ़ाकर महामंडलेश्वर की पदवी दी और उनका पट्टाभिषेक किया। अब सवाल ये है कि साध्वी निरंजन ज्योति को क्यों दिया गया है ये महामंडलेश्वर का पद। निरंजनी अखाड़े के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मुताबिक साध्वी निरंजन ज्योति साध्वी पहले हैं और केंद्रीय मंत्री बाद में। साध्वी निरंजन ज्योति निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर परमानंद गिरी की शिष्या हैं, इसलिए उन्हें निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी की मौजूदगी में महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। इस पदवी को हासिल करने के साध्वी निरंजन ज्योति निरंजनी अखाड़े की 16वीं महिला महामंडलेश्वर बन गई हैं। निरंजनी अखाड़े में महिला महामंडलेश्वर बनने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति ने आवेदन किया था। उनके अलावा और भी कई आवेदन आए थे। 13 अखाड़ों ने योग्यता के आधार पर केंद्रीय मंत्री को महामंडलेश्वर बनाने का फैसला लिया। संतोषी गिरी, संतोषानंद सरस्वती, माँ अमृतामयी, योग शक्ति समेत कुल 15 महिलाएं फिलहाल निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। अब साध्वी निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर बन गई हैं तो उनका राजनीतिक इतिहास भी जान लीजिए। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं। वो फतेहपुर से बीजेपी की सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में कश्यप के साथ ही निषाद समुदाय की बड़ी नेता हैं। संतोष गंगवार और उमा भारती के बाद साध्वी निरंजन ज्योति तीसरी ऐसी नेता हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं और उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड का बड़ा चेहरा है। बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले के मलिहा ताल की रहने वाली साध्वी निरंजन ज्योति ने 14 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। उस वक्त उन्हें स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने संन्यास की दीक्षा दिलाई थी। स्वामी जी की मौत के बाद साध्वी निरंजन ज्योति स्वामी परमानंद गिरी की शिष्या बन गई। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद निरंजन ज्योति 1987 में विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में आई। ये दौर राम मंदिर निर्माण का था। साध्वी निरंजन ज्योति भी मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ गई और कथा वाचन का काम शुरू किया। इस दौरान साध्वी संघ की ओर से चलाए जा रहे आदिवासियों की आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा से जुड़ गए। श्री हरि सत्संग समिति की संरक्षिका के तौर पर पूरा भारत घूमा। इसके अलावा साध्वी को विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी उत्तर प्रदेश की संरक्षिका बना दिया गया। साध्वी शक्ति परिषद की केंद्रीय पदाधिकारी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के रूप में भी वो रही थी। इन संगठनों से जुड़ाव के बाद साध्वी का स्वाभाविक जुड़ाव बीजेपी के साथ हो गया। 2002 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो निरंजन ज्योति हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बनी। चुनाव हार गईं, लेकिन 2007 में भी उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और फिर से वह हारे। उन्हें पहली जीत नसीब हुई 2012 में, तब जब समाजवादी पार्टी की लहर हुआ करती थी। जीत का फायदा ये हुआ कि उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2014 में जब मोदी लहर चली तो साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। साध्वी जीती और फिर केंद्र में मंत्री बन गई। अब उन्हें केंद्र में मंत्री रहते हुए निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब बात करते हैं अखाड़ों की और उनके इतिहास की। अखाड़ा का सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जहां पहलवानी का शौक रखने वाले लोग दाव पेश सीखते हैं। अखाड़े में बदन पर मिट्टी लपेटकर ताकत आजमाते हैं और दुश्मनों को पटकनी देने की नई नई तकनीक ईजाद करते हैं। ये अखाड़े पहलवानी के काम आते हैं। बाद में कुछ ऐसे अखाड़े सामने आए जिनमें पहलवानी के बजाय धर्म के दाव पेच आजमाए जाने लगे। इनकी शुरुआत आदि गुरु कहे जाने वाले शंकराचार्य ने की थी। देश के चार कोनों, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। इसी दौरान उन्हें लगा कि जब समाज में धर्म के विरोधी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन चुनौतियों का मुकाबला काफ़ी नहीं है। शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत करके शरीर को सुदृढ़ बनाएं और कुछ हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए ऐसे मठ स्थापित किए जाएं जहां कसरत के साथ ही हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे ही मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य ने यह भी सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह से अखाड़ों का जन्म हुआ। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। कुंभ, जिसे अब महाकुंभ कहा जा रहा है, और अर्धकुंभ, जिसे अब कुंभ कहा जा रहा है, इनके आयोजन में इन अखाड़ों की खास भूमिका होती है। महाकुंभ देश में 4 जगहों पर लगता है, जिनमें इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन हैं। हर 12 साल में एक जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। इलाहाबाद और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्धकुंभ, जिसे अब कुंभ कहा जा रहा है, का आयोजन किया जाता है।
महाकुंभ और कुंभ के स्नान के दौरान इन सभी अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। नहाने के लिए विशेष प्रबंध होते हैं और इनके नहाने के बाद ही आम श्रद्धालु स्नान कर सकता है। 1954 में इसी तरह इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ था, उसी दौरान भगदड़ मच गई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी आयोजित हुए कुंभ और महाकुंभ के अलावा दूसरे धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। इससे बचने के लिए 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना करी गई। इसके तहत कुल 13 अखाड़े शामिल हैं। इसी बैठक में सभी अखाड़ों के कुंभ और अर्धकुंभ में स्नान का वक्त और उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसे अब सभी अखाड़े मानने लगे हैं। हिंदू धर्म के ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। पहला है शैव सन्यासी संप्रदाय, इसमें कुल 7 अखाड़े हैं। उनके नाम हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। दूसरा है वैरागी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, इनमें बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ी शामिल हैं। इस संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। और तीसरा है उदासीन संप्रदाय, इसमें भी 3 अखाड़े हैं। पहला है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, दूसरा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और तीसरा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इसके अलावा नासिक में हुए महाकुंभ के दौरान पारी अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने भी मान्यता मांगी थी, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। महामंडलेश्वर का पद शैव संप्रदाय के दशनामी सन्यासियों ने ईजाद किया था। दशनामी शब्द उन सन्यासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के तीसरे आचार्य सुरेश्वराचार्य ने जिन सन्यासियों का गुट बनाया था उन्हें दशनामी कहा जाता है। अब हकीकत जो भी हो, लेकिन अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊँचा होता है। दशनामी सन्यासियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महामंडलेश्वर का पद बनाया और उसकी कुछ योग्यताएं तय कर दी। महामंडलेश्वर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो साधु चरित्र और शास्त्रीय पंडित दोनों के लिए देश दुनिया में जाना जाता हो। पहले ऐसे लोगों को परमहंस कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। महामंडलेश्वर की पदवी धारण करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। हालांकि कुछ अखाड़ों में महामंडलेश्वर नहीं होते हैं, उनमें आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। अब यही पद साध्वी निरंजन ज्योति को दिया गया है। सनातन धर्म का रक्षक माने जाने वाले अखाड़ों के लिए महामंडलेश्वर धन कुबेर भी साबित होते हैं। शायद यही वजह है कि लगभग सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही विवाद भी बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2015 में नोएडा के एक शराब कारोबारी सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का 32वां महामंडलेश्वर घोषित किया गया था और उनका नाम रखा गया था सच्चिदानंद गिरी। जब सचिन के कारनामे का खुलासा हुआ तो महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया। सचिन दत्ता को जब महामंडलेश्वर पद दिया गया था तो उस दौरान परी अखाड़े के महामंडलेश्वर त्रिकाल भवंता ने भी माना था कि अखाड़ों में पैसे का वर्चस्व बढ़ गया है। इन विवादों के अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पद भी विवादित रहा है। 1954 में अखाड़े के स्थापना के वक्त तय किया गया था कि हर अर्धकुंभ से पहले अखाड़े के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। परंपरा 2004 तक चलती रही। 2004 में चुनाव हुए और महंत ज्ञानदास को अध्यक्ष चुन लिया गया। वह अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत हैं। 2010 में इलाहाबाद के मठ मागम्बरी गद्दी में परिषद का चुनाव हुआ, जिनमें 13 में से 7 अखाड़े शामिल हुए। जूना आवाहन, अग्नि, दिगंबर, निर्माणी और निर्मोही ने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनाव में निर्मल अखाड़ा के महंत बलवंत सिंह अध्यक्ष और आनंद अखाड़ा के शंकरानंद सरस्वती महामंत्री चुने गए। महंत ज्ञानदास ने अखाड़े के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2013 में कोर्ट ने चुनाव पर स्टे लगा दिया। 2014 में महंत ज्ञानदास की जगह पर नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। महंत ज्ञानदास ने नरेंद्र गिरी के अध्यक्ष पद को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि अखाड़े नरेंद्र गिरी को ही अध्यक्ष मानते हैं। सिंहस्थ कुंभ 2016 में भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को ही मंजूरी मिली थी और इस बार भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को ही मंजूरी मिली है। तो ये है वो कुल 13 अखाड़े और उनका इतिहास, जिनकी वजह से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। कुंभ के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो का यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए thelallantop.com। शुक्रिया।